अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ बैक टू स्कूल योगर्ट ओट मफिन्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत इजी हैं और इसको बनाने के लिए सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले मैं 1.5 कप ऑफ ओट्स ब्लेंडर में डालूंगी, 1 लार्ज एग, अगर आपका छोटा है तो आप 2 ले सकते हैं, 1 राइप बनाना। राइप बनाना का टेस्ट ज़्यादा मीठा होता है, तो इस वजह से मैं राइप बनाना ही सजेस्ट करूँगी अगर आपके पास अवेलेबल है तो। 1 कप ऑफ योगर्ट एंड 1/2 कप ऑफ मिल्क, 1 टीस्पून ऑफ वनीला पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। 1/2 कप ऑफ शुगर डालूंगी मैं इसमें एंड वेजिटेबल ऑयल डालूंगी मैं इसमें। आपको तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। इसको मैं ब्लेंड करने से पहले स्पैचुला की हेल्प से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्सअप होके फिर ब्लेंड हो। ये आप देख सकते हैं, यह ब्लेंड होने लग गया। अगर आपका यहाँ पर अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं हो रहा तो पानी या मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी या मिल्क डाल दें तो वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी मैं। ये अब मैं इसको मफिन ट्रे में डाल लूँगी। ये बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट बनता है, आप इसको अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं और ये बहुत जल्दी और इजी बन जाते हैं। ये मैं अब सबके ऊपर चॉकलेट चिप्स डाल दूँगी और साथ में स्प्रिंकल्स डाल दूँगी और थर्ड लेयर पर मैं कोकोनट पाउडर डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर जौन सी टॉपिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल टॉपिंग बिल्कुल ऑप्शनल है। यह बिल्कुल रेडी है बेक करने के लिए। अब मैं इसको 180 डिग्री पे फॉर 35 मिनट्स बेक कर लूँगी। आफ्टर 35 मिनट्स आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दीज आर सो यमी, सो डिलीशियस। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। I'll be meeting you in next one. Until take care yourself. Allah Hafiz.